नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पोलैंड दौरा खत्म करने के बाद आज यानी शुक्रवार 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी और इस यात्रा से लगभग 1.5 महीने पहले पीएम मोदी रूस की यात्रा पर भी गए थे। वहीं अब अपने यूक्रेन दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से बातचीत की। इस बातचीत के बाद एक बयान में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा विश्वास है कि किसी भी समस्या को लड़ाई के मैदान में नहीं सुलझाया जा सकता। हम इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। किसी भी संकट में निर्दोष लोगों की जान जाना पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता कायम करने के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। ओलंपियन विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर उन महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाया है जो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ गवाही देंगी। विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग को एक्स पर टैग करते हुए लिखा कि जिन महिला पहलवानों की कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ गवाहियां होने वाली हैं, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली है। दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट द्वारा लगाए गए इस आरोप से इनकार किया है। नई दिल्ली डीसीपी ने ट्वीट किया कि पहलवानों को दी गई सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में हरियाणा पुलिस से यह जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया जाए क्योंकि सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति आम तौर पर वहीं रहते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि नियुक्त दिल्ली पुलिस के PSO इस निर्णय को गलत समझ गए और आज रिपोर्ट करने में देरी कर दी। डीसीपी ने कहा कि स्थिति को सुधार लिया गया है, सुरक्षा कवर जारी रहेगा। इस मामले को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने भी कल गुरुवार को शहर की पुलिस को निर्देश दिया कि वह भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला सुरक्षा की सुरक्षा तुरंत बहाल करें। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि पहलवान को मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा। SC और ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर बयान जारी किया है। इस मुद्दे को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि SC और ST आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का नया नियम लागू करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के विरुद्ध जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्र द्वारा अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना यह अति दुखद व चिंताजनक है। मायावती ने लिखा कि इसको लेकर 21 अगस्त के भारत बंद के बावजूद अगर केंद्र इसमें जरूरी सुधार के लिए गंभीर नहीं है तो यह सोचने वाली बात है। उन्होंने आगे लिखा कि इस मामले में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इनके इंडी गठबंधन की भी चुप्पी उतनी ही घातक है। इससे यह फिर से साबित है कि SC और ST वर्गों के सही हित, कल्याण व उत्थान के मामले में दोनों ही पार्टियां व इनके गठबंधन एक ही थैली के चट्टे भट्टे हैं तथा इन वर्गों का हित अम्बेडकरवादी BSP में ही सुरक्षित है। कर्नाटक कैबिनेट की कल गुरुवार को एक बैठक हुई और इस बैठक के दौरान कैबिनेट ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को परामर्श भेजकर कहा है कि वह केंद्रीय मंत्री SD कुमार स्वामी और BJP के 3 अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दें। कैबिनेट के अनुसार इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच चल रही है और सरकारी एजेंसियों की ओर से कुछ के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार की कैबिनेट ने राज्यपाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर परामर्श भेजा हो। कर्नाटक कैबिनेट की बैठक के बाद मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए राज्य के कानून मंत्री HK पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के मामले में राज्यपाल को कुछ लोगों की शिकायत मिली थी। इसके बाद उन्होंने शाम को मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस भेजा था।
और वहीं इन नेताओं एचडी कुमार स्वामी और तीन बीजेपी नेताओं के खिलाफ दो मामलों की जांच हुई और दो मामलों में चार्जशीट भी दाखिल हुई है। इसलिए हमने राज्यपाल को इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेजेपी से इस्तीफा देने वाले नरवाना के विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा ने कहा कि जेजेपी और मेरी राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हैं और इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है। जब भी पार्टी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला और अन्य नेताओं की कोई बैठक होती थी तो हमें सूचित नहीं किया जाता था, साथ ही हमें पार्टी के फैसलों से अनजान रखा जाता था, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र नरवाना के लोगों से सलाह ली और उन्होंने सुझाव दिया है कि मुझे एक राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर भाजपा मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं उसके टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना के बाद देश भर के कई राज्यों में सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा विरोध प्रदर्शन कल गुरुवार को समाप्त हो गया। दरअसल मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की थी, जिसके बाद प्रमुख डॉक्टर संघों ने अपनी 11 दिन की हड़ताल वापस ले ली। हालांकि विरोध प्रदर्शन के केंद्र पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं, क्योंकि आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि वे अपना काम बंद रखेंगे। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों में से एक ने पीटीआई से कहा कि हमने अपना काम बंद रखने का फैसला किया है क्योंकि न्याय अभी तक नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के हिस्से को टाल दिया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बहन को न्याय दिलाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कल गुरुवार को कहा कि कुछ लोग राज्य सरकार की लड़की बहन योजना के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं कि आपके खातों में जमा पैसा सरकार द्वारा वापस ले लिया जाएगा। अजीत पवार ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि कोई भी उनके खातों से पैसा नहीं ले सकता। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी आपके खाते से पैसा नहीं निकाल सकता, अविश्वास का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं को ऐसी चालों का शिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग करते हुए कल गुरुवार को हैदराबाद में ईडी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता के पुष्प लीला ने कहा कि हम इस मामले में जेपीसी जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही तेलंगाना में कांग्रेस की निर्वाचित सरकार हो, लेकिन हमें ईडी कार्यालय के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। जनता को इस घोटाले के बारे में खुद को जागरूक करना चाहिए। मैं लोगों से पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की अपील करना चाहता हूँ। मोदी को हटाओ, देश बचाओ। हम इस मामले में जेपीसी जांच की मांग करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता में नीरज ने 89.49 मीटर का थ्रो किया। हालांकि इस प्रतियोगिता में भी नीरज दूसरे स्थान पर रहे। वहीं पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 90.61 मीटर थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।